हेलो फ्रेंड्स, आई एम पुष्पा धाकड़, वेलकम टू फ्लाई एकेडमी। इस वीडियो में आपको बताऊंगा मीडियन के क्वेश्चन। जी हाँ, मीडियन आपको समझा देता हूँ। मीडियन क्या होता है, जैसे आपका मीन, मीडियन, मोड, इन सभी से आपका डेटा की वैल्यूज ही निकाली जाती है। तो आप मीडियन भी आपके जिस तरीके से मीन होता है, अलग अलग तरह के डेटा होते हैं उसमें, इस तरीके से मीडियन में भी होते हैं। और एक्चुअली मीडियन में थोड़े ज्यादा होते हैं, इसमें आपको इवन और ऑड का भी थोड़ा फर्क देखना पड़ता है। जी हाँ, आपका अगर डेटा के जो नंबर आपके अंदर से 1, 2, 3, 4 ऐसे दिए, जैसे अगर आपके ऑड दिया है तो आपका फॉर्मूला अलग होगा, इवन दी है तो फॉर्मूला अलग होता है। इसमें ऑड इवन में भी आपको थोड़ा फर्क देखना पड़ता है। तो आपको चलिए मैं बताता हूँ, जैसे कि आपका जो ऑड, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है, अगर आपकी विषम में नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है, तो आपका मीडियन का फॉर्मूला जो होगा आपका, वो होगा n+1/2 होगा। अगर आपका इवन फंक्शन, इवन नंबर होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, तो आपका फॉर्मूला होगा n/2+1/2। जी हाँ, अगर आपका नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होती है तो n+1/2 होगा आपका फॉर्मूला। अगर इवन होगा तो n=n/2+n/2+1/2 होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल देके बता देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चन आप देख लीजिए, जैसे ये लिखा है 2, 4, 6, 3, 5 ये लिखा हुआ है, तो गिने टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 1, 2, 3, 4, 5। 5 मतलब ऑड नंबर है, तो इसमें ऑड का फॉर्मूला लगेगा। लेकिन मीडियन को निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इसको अरेंज करना पड़ता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। जी हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले आपको इस डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो लिख करके पहले आप अरेंज कर लें, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। कैसे करेंगे, सबसे छोटा कौन है, पहले 2, फिर 3, फिर आपका 4, फिर 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5। ये आपने पहले अरेंज कर दिया, सभी को अरेंज करना है। मीडियन में ध्यान रखना, पहले आपको अरेंज करना पड़ता है। अब हो गए आपके 1, 2, 3, 4, 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स आपकी ऑड है, तो आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका नंबर ऑफ टर्म्स कितने, n=5, तो आपका फॉर्मूला क्या होता है, n+1/2। तो n की वैल्यू कितनी, 5, तो 5+1/2 टर्म, तो 5+1 कितना हो जाएगा, 6/2 टर्म, तो 2 1 2 2 3, तो आपकी कौन सी टर्म हो जाएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी, कौन सी आएगी, थर्ड टर्म आ जाएगी। थर्ड कौन सी, यहां से गिनेंगे हम 1, 2, 3, तो आंसर इस कितना आ गया आपका, तो मीडियन आपका क्या हो जाएगा, 4। मीडियन कितना हो गया आपका, 4। तो कौन सी टर्म आपकी, थर्ड टर्म आपकी जो मीडियन है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड कौन सी, स्टार्टिंग से कितना होता पहले से, 1, 2, 3, तो आपकी मीडियन क्या होगी, आपकी 4 हो गई। ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स में क्या, ऑड में आ जाता है। जैसे सपोज करो इवन होता, इसी वजह से मैंने 1 ऐड कर दिया, तो ये आपका नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गई, इवन हो गई है। तो आपका इनको अरेंज करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले किसमें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये अरेंज करते हैं, तो पहले आपका 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। तो कितनी हुई टोटल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, 6, तो ये आपकी इवन हो गया। नंबर ऑफ टर्म्स आपकी इवन है, तो आपको इवन का फॉर्मूला लगेगा, वो क्या होता है आपका, मीडियन का फॉर्मूला, n/2 टर्म + n/2+1/2। ये आपका इवन होने पर आपका फॉर्मूला मीडियन का ये होता है। तो n की वैल्यू कितनी है, 6 है, तो 6/2 टर्म + 6/2+1 टर्म और अपॉन में 2, तो 2, 3 या 6, 2 1 3 कितना हो जाएगा आपका, m=2, थर्ड टर्म आ जाएगा आपका, थर्ड प्लस फोर्थ टर्म, और अपॉन में क्या होगा, 2, 3+1 4 हो रहा है यहाँ पे। तो आप देखेंगे, यहां बता देता हूं मैं, m=2, थर्ड टर्म कौन सी, 1, 2, 3 ये है, फोर्थ टर्म कौन सी, ये है, तो आपको कितना हो जाएगा, 3+4, ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी आपको यहाँ पे, थर्ड टर्म की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पे, फोर्थ टर्म की वैल्यू, तो थर्ड टर्म की वैल्यू थर्ड ही है, फोर्थ टर्म की वैल्यू फोर्थ ही है, अपॉन में कितना, 2 होगा, तो मीडियन की वैल्यू कितनी, 7/2, 3, 3, 2, 3 या 6, 2, 5, 10, तो मीडियन कितना आ गया, 3.5। समझ गए, तो आपका ऑड टर्म्स में फॉर्मूला अलग होगा, इवन टर्म्स में फॉर्मूला अलग होगा, सिंपल डेटा में। ठीक है, अब आते हैं आपके ग्रुप डेटा की बात करते हैं। जैसे आप ग्रुप में डेटा गिवन हो, तो उसका क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे, जैसे कि इसका कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, जैसे आप कोई भी वेरिएबल गिवन हो,
जैसे आपको x गिवन है और यहाँ पे f गिवन है, तो जैसे कोई भी वेरिएबल आपके वन है, 2, 3, 5, 7, फ्रीक्वेंसी 1 है, 3 है, 4 है, 2 है, ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई। आपसे कहा इसका मीडियन फाइंड करो, क्या फाइंड करना है आपको, मीडियन फाइंड करना। तो मीडियन इसमें किस तरीके से फाइंड करते हैं आपको देख लेते हैं, वो इवन ऑड वाला ही सिस्टम है, लेकिन देखते हैं किस तरीके से होता है। तो पहले आप क्या करेंगे, इसको x लिख दो, यहाँ पे f लिख दिया, x के लिए 2, 3, 5 और 7 है, ये 1, 3, 4, 2 है, तो इसमें आपको cf निकालना पड़ता है। cf आपको कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहलाता है, क्या आता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में संचयी आवृत्ति कहते हैं और इंग्लिश में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। किस तरीके से निकालते हैं इसको देख लीजिएगा, यहाँ कितना लेगा फर्स्ट में 1, तो इसको 1 ही ले रहने दीजिए, इन दोनों को ऐड करते हैं, 1 + 3 कितना हो गया आपका 4, फिर इसको ऐड करो 4 + 4 कितना हो गया आपका 8, और 8 और 2 को ऐड करो कितना हो जाएगा आपका 8 और 2 10, तो आपके एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10। 10 आपका इवन है कि ऑड है, 10 जो आपका ऑड है, जिसमें आपको किस तरीके से मीडियन निकालनी है इसमें आपको बता देता हूँ। ये आपकी मीडियन निकलेगी m इक्वल्स टू n अपॉन टूथ टर्म, कौन सी हो जाएगा, m इक्वल्स टू n अपॉन टूथ टर्म, तो n अपॉन टू कितना हो गया 10 अपॉन टू, 2 5 से 10, तो m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5th टर्म, कितना आंसर आ रहा है आपका 5th टर्म, 5वीं टर्म आपका मीडियन हो गई। तो यहां नहीं देखना, यहाँ सी एफ में देखना है, सी एफ यहाँ बन लेगा फिर 4, और यहाँ भी कितना लिखा है 8, इसका मतलब क्या हो, इसका 8 का मतलब है कि इसमें आपकी कौन कौन सी टर्म कंटेन कर रही है आपकी 4 के बाद, 5, 6 और 7 इस और 8 इसी के अंदर है, और इसमें 10 में 9 और 10 कंटेन कर रही है, तो आपका आंसर कौन सी 5th टर्म है, तो 5th टर्म किस में होगी आपकी, इस वाले में होगी, तो एक्स में क्या लिखा हुआ है आपका 5, इसके 5th टर्म का आंसर ही कितना लिखा हुआ 5, तो आपकी मीडियन कितनी होगी यहाँ पे 5 हो गई। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इवन ऑड से घबराना नहीं है इसमें, इसमें आपको n बाय 2 ही करना है, अगर हाँ ऑड हो जाता, ऑड आ जाता तो आप n प्लस 1 अपॉन 2 करते हैं, अगर यहाँ पे आपका सम जो होता ऑड होता तो मीडियन क्या हो जाती है आपकी n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म हो जाती है, n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, और आपकी इवन है तो n अपॉन 2th टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 10 आया तो दैट्स व्हाई हमने 10 अपॉन 2, तो 5th, तो इसमें 5th टर्म आएगा आंसर, तो 5th टर्म इसमें cf में देखते हैं, यहाँ पे देखेंगे 1, 4, 4 के बाद 8 है, तो 8 के अंदर आप कहिए तो यहाँ पे आंसर x की वैल्यू कितनी 5 है, तो मीडियन आपका कितना हो गया 5 हो गया। अगर सपोज कि 11 आया होता तो 11 प्लस 1 हो जाता, 11 प्लस 1 मतलब 12 अपॉन 2, तो 12 का कितना हो जाता 6 टर्म, तो 6 टर्म कहां आती इसमें ही आती, तो भी इसका आंसर कितना आता 5 ही आता। ये आपका हो गया ग्रुप डेटा में, अब आपका इसमें ग्रुप डेटा में किसमें आते हैं, क्लास इंटरवल्स में आते हैं, किसमें आते हैं क्लास इंटरवल्स में, तो उसके लिए फॉर्मूला जो होता है, पहले आपको क्लास इंटरवल्स का फॉर्मूला बता देता हूं, m इक्वल टू जो आपका इंटरवल में जो आपकी मीडियन का फॉर्मूला बनेगा m इक्वल टू l प्लस n अपॉन 2 माइनस c अपॉन स्मॉल f इनटू h। जी हाँ, क्या होता है फॉर्मूला आपका, l प्लस n अपॉन 2 माइनस c अपॉन स्मॉल f इनटू h, l आपका लोअर लिमिट होता है, n जो आपका नंबर ऑफ टर्म जो आती है, c जो हमारी जो मॉडल क्लास जो सिलेक्ट होती है उसके पहले की जो cf होता है वो होता है ये फ्रीक्वेंसी, जिस क्लास को हमने सेलेक्ट किया है वो फ्रीक्वेंसी, और एच आपका डिफरेंस ऑफ द इंटरवल, जो डिफरेंस होता है इंटरवल में वो आपका एच कहलाता है। अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाएगा, तो हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इसका, मीडियन का एक क्वेश्चन है जिसमें आपका क्वेश्चन 0 to 10 ये क्लास इंटरवल वाला है, इसमें हम क्वेश्चन करने के लिए पहले सबसे पहले हमें क्या करना होता है, पहले इस क्वेश्चन में आपको मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा पहले हम इस क्वेश्चन से मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकाली कैसे निकालते हैं, मिड पॉइंट वही 8 प्लस दोनों को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दीजिए, जैसे उसमें होता है वैसे इसमें है, तो क्या हो जाएगा आपका 5, 15, 25, 35 और आपका ये 45, इसका 5, इसका 15, इसका 25, इसका 35, इसका 45। अब यहाँ पे क्या निकलता है, वही सी एफ निकलेगा, जी हाँ क्या निकलेगा आपका सी एफ निकलेगा, आए आप इसका क्वेश्चन आपका आगे इसमें देखते हैं, इसमें क्या करना होगा आपको सबसे पहले सी एफ निकालना पड़ेगा, जैसे जो निकलता है वो सी एफ निकालिया, तो सी एफ कैसे निकला 8, 8 + 30 कितना हो जाएगा आपका 38, 38 + 40 78, 78 + 12 90 और 90 + 10 कितना हो जाएगा आपका 100।
जी हाँ, तो आप एन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एन की वैल्यू आपकी आती भैया 100। तो 100 आपका इवन नंबर है, तो वही करते हैं जैसे पहले किया था, एन अपॉन टू। मीडियन के लिए कह रहे हैं, फॉर मीडियन के लिए हमारा नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे ये निकालना हमें, तो फॉर मॉडल क्लास लिख देते हैं। फॉर हमें हमारी मॉडल क्लास होगी, इसलिए क्या होगा मॉडल क्लास के लिए, मॉडल क्लास के लिए क्या होगा आपका एन अपॉन टू निकाल, एन अपॉन टू मतलब 100 अपॉन में 2, तो आपका 2 15। तो अभी कौन सा टर्म चाहिए आपको, 15th टर्म चाहिए, कौन सा चाहिए 50। तो 50 आपका कौन सा सीएफ, देखें जरा ध्यान से, यहाँ पे 8 38 78, तो ये 78 में ही होना चाहिए क्योंकि 38 के बाद क्या है 70, इसमें 39 30 40 41 42, ऐसा करके 78 तक होगा। तो आपकी मॉडल क्लास कौन सी होगी आपकी, ये वाली होगी, ये आपकी मॉडल क्लास हो गई, ठीक है, आपकी मॉडल क्लास हो गई, इसमें आपका ये आ गया था। अब इसमें आपको फॉर्मूला बता देते हैं, फॉर्मूला क्या होता है आपका, एम इक्वल्स टू एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ या सी अपॉन में स्मॉल एफ इंटू एच, ये होता है। तो एल जो होता है आपका लोअर लिमिट होती है जो मॉडल क्लास की, मॉडल क्लास की लोअर लिमिट कितनी है 20 30 है, तो एल इक्वल्स टू 20। एन बाई टू की वैल्यू पता ही कितनी आपको दी है, 50 आपने निकाली। सी एफ, सीएफ जो होता है, जो आपने सेलेक्ट हुई आपकी जो मॉडल क्लास, उसके ऊपर वाला जो होता है वो सीएफ होता है, उसके ऊपर वाला सीएफ। तो आपका सीएफ की वैल्यू कितनी है 38। हमेशा ध्यान रखना जो भी मॉडल क्लास सेलेक्ट होगी उसके ऊपर पहले की वो 38, जो पहले उसके ऊपर वाली जो सीएफ होगा वो आपका सीएफ होता है। और एफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी आपका जो इसी मॉडल क्लास कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी 40। और एच क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन दी क्लास इंटरवल, तो क्लास इंटरवल में डिफरेंस कितना है 10 का है, ये हो गया आपका। तो आपका एल एन वाई टू सी एफ एफ और एच की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो एम की वैल्यू यहाँ पुट कर, एल की वैल्यू कितनी है 20 प्लस एन वाई टू 50 माइनस सी एफ 38 अपॉन 40 इंटू 10। 10 कैंसिल, ये 20 प्लस ये कितना बचेगा 12 अपॉन 4 4 3 12, तो 20 प्लस 3, तो मीडियन की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 23 आ गई। जी मीडियन कितना आ गया आपका 23। तो इस तरीके से आपका मीडियन के जितने भी टाइप होते हैं सब फिनिश होते हैं। ये आपका ग्रुप वाला पहले वाला सिंपल डेटा जिसमें आपको इवन ऑड का ध्यान रखना है, इवन ऑड सभी में ध्यान रखना होता है वैसे, लेकिन उनमें ज्यादा, क्योंकि दोनों के फॉर्मूले अलग अलग होते हैं। फिर इसके बाद ग्रुप में आपको सीएफ निकालना होता है, और इसमें भी आपको सीएफ ही निकालना होता है, बस फॉर्मूला चेंज हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, फॉर्मूला चेंज हो जाता है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इसकी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। तो गाइज आपको समझ में आया होगा मीडियन के बारे में, तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा हो वीडियो, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।